हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया राठौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि स्प्राउट्स हमें क्यों खाने चाहिए, क्या फ़ायदा है स्प्राउट्स खाने का, स्प्राउट्स खाने की सही टाइमिंग क्या है। हम स्प्राउट्स को नट्स, सीड्स और अनाज को अंकुरित करके बनाते हैं। स्प्राउट्स खाने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए लोगों को ये भी होता है कि स्प्राउट्स की इजी रेसिपी क्या है वो जानने की भी इच्छा होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्प्राउट्स की रेसिपी भी बताऊंगी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्प्राउट्स खाने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। स्प्राउट्स खाने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें सबसे पहले कि स्प्राउट्स में काफ़ी सारे मिनरल्स, विटामिन डी और प्रोटीन अधिक पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी लाभदायक है, बेनिफिशियल है। स्प्राउट्स में फाइबर होता है, फाइबर हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्प्राउट्स के अंदर विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी फ्रेंड्स हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, जिससे कि हमें बीमारियाँ, रोग जल्दी से नहीं लगते हैं। स्प्राउट्स के अंदर विटामिन ए की कमी से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो इसमें विटामिन ए भी काफ़ी पाया जाता है, जो कि हमारी आईज़ के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये विटामिन ए का भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। स्प्राउट्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसमें कॉपर और आयरन पाया जाता है, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा करता है। इसके अंदर अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउट्स के अंदर स्टार्च का लेवल कम होता है, जो कि हमारे फैट को कम करता है और बढ़ने नहीं देता है। हमारे वेट लॉस में भी स्प्राउट्स काफ़ी हेल्प करते हैं, तो ये एक वेट लॉस के लिए भी अच्छा सोर्स है। इसके अंदर एंजाइम की मात्रा अधिक होती है, जो कि हमारे मेटाबॉलिक और केमिकल रिएक्शन को अच्छी तरह से काम करने में हेल्प करता है। तो इसके और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। कहने का मतलब ये है कि स्प्राउट्स खाने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है और हेल्दी भी है। इसको हम इजीली और काफ़ी जल्दी तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि स्प्राउट्स आप कैसे रेडी करें, तो आइए जानते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्प्राउट्स की रेसिपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है मूंग दाल और काला चना, जिसको मैंने पहले से ही अंकुरित कर लिया है। मैंने थोड़े से यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, थोड़ा सा टमाटर लिया है और थोड़ा सा खीरा, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है जिंजर, आप चाहे तो यहाँ पर गार्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है यहाँ पर, और नींबू का रस लिया है, जो आपके स्वाद को डबल कर देगा। मैंने यहाँ एक हरा मिर्च लिया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है काला नमक। तो ये आप ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पर सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू का रस और काला नमक ये आपके स्वाद को डबल करता है, तो इसको आप चाहें तो ज़रूर ऐड करें। तो आइए बनाते हैं हम अपना स्प्राउट सैलेड। मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया है, उसमें मैं यहाँ पर अपने स्प्राउट्स ऐड कर लूँगी। मूंग दाल ऐड करूँगी। अब मैंने यहाँ पर जो भी चॉप किया है सारी चीज़ें मैं इसमें मिक्स करूँगी। पहले मैं प्याज डाल रही हूँ यहाँ पर, कुकुम्बर मैंने इसमें ऐड कर लिया है, हरी मिर्च, जिंजर, टमाटर और हरा धनिया मैंने अपनी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर ली हैं। सॉल्ट मैं यहाँ पर लूँगी स्वाद अनुसार, आप यहाँ अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। आप चाहे तो यहाँ पर ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब सारी चीज़ों को मैं करूँगी यहाँ पर मिक्स। और देखिए ये लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हमारे स्प्राउट्स हो गए हैं रेडी। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। और देखिए मैंने यहाँ गार्निश करने के लिए कुछ हरा धनिया लिया है। देखिए ये देखने में भी कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। स्प्राउट्स काफ़ी हेल्दी होते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।